नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका अपना दोस्त केडी ऑडियो की तरफ से। तो दोस्तों, ये जो सेट देख रहे हैं कंप्लीट रेडी हो चुका है, सारी वायरिंग वगैरह इसमें कर दी गई है, बिल्कुल ओके इसकी वायरिंग कर दी है, स्पीकर प्रोटेक्शन वगैरह से सब चीज़ से मैंने इसको रेडी कर रखा है बिल्कुल हर तरह से अपने। तो अभी ये बिल्कुल रेडी है और सारा कुछ ओके हुआ पड़ा है। और ये अपना मिक्सर लिया हुआ है हमने साउंड टेस्टिंग के लिए, जो कि हमने अपने एम्पलीफायर से कनेक्ट कर रखा है। पीछे से मैं आपको वायर दिखा देता हूँ, ये पूरी मैंने इसमें डाल रखी है। और बाकी दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक चैनल पे मैंने एक स्पीकर डाल रखा अपना और दूसरे चैनल पे मैंने 4 ओम बना के अपने ये वाले जो स्पीकर हैं ये डाल रखे हैं। बाकी नीचे वाला मैंने एक अकेला सिंगल डाल रखा है, जो कि आप पीछे से भी देख सकते हैं, जो कि नीचे तक पूरा अच्छा खासा 18 इंच की इसकी डेप्थ है नीचे वाले की, तो उस हिसाब से मैंने डाल रखा है। तो अभी मैं इनकी आपकी वाटेज बता देता हूँ कितनी कितनी है। इस वाले स्पीकर की है दोस्तों, साउंड मास्टर का है, 10 इंची में बूफर है, तो इसकी वाटेज आपको 150 वाट मिलेगी। ये 135x25 mm मैग्नेट में और 2 इसमें टूटर लगे हुए हैं, और जो ऊपर लगे हुए हैं वो दोस्तों साउंड मास्टर के हैं। ये 120 mm मैग्नेट में है दोनों, ये 100 वाट के प्लस में इसमें अपने ठकराल के ट्विटर लगे हुए हैं ओरिजिनल, ठीक है दोस्तों। तो एक चैनल पे मैंने खाली 150 वाट का डाला हुआ है और ऊपर जो मैंने एक चैनल पे अपने 200 वाट का पूरा लोड डाल रखा है एक चैनल पे। तो इस तरह से अभी मैंने इनका पूरा लोड वगैरह डाल रखा है। मिक्सर वगैरह होना दोस्तों BT पे मैंने डाल रखा है। तो दोस्तों, अब मैं इनकी जो भी अपनी साउंड टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ, इसकी पूरे सेट की जो भी इस एम्पलीफायर के साथ की जो अपनी साउंड टेस्टिंग है वो मैं अभी यहाँ से इसकी साउंड टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं इससे फेडर उठा रहा हूँ यहाँ से, टेस्टिंग हो चुकी है और इतनी साउंड टेस्टिंग हो पाएगी दोस्तों इसकी फ़िलहाल। और बाकी दोस्तों, अगर किसी भी तरह का आपको सेट बनवाना है तो दोस्तों वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, नंबर मेरा और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप क्वालिटी देख सकते हैं। दोस्तों फिलहाल तो मैंने अभी बहुत कम लोड इस पर चलाया है, बाकी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोड की कोशिश करूँगा, जितना मुझे मिलेगा उस हिसाब से मैं इस पर लोड टेस्ट कर पाऊँगा। तो बाकी आपने दोस्तों क्वालिटी देख ली है, मिक्सर पर बहुत अच्छी तरीके से रन हो रहा है, जितनी भी इसके अंदर बेस होती है उतनी बेस मैंने इसमें यूज़ कर ली है, और मतलब ज़्यादा बेस नहीं खोल पाऊंगा क्योंकि दोस्तों स्पीकर्स में भी मतलब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये वूफर हैं, स्पीकर नहीं है। स्पीकर अपनी हिसाब से वो उस हिसाब से क्वालिटी देते हैं, बाकी दोस्तों वूफर में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती, ये अपने बस नॉर्मली एम्पलीफायर पर चलने के लिए कामयाब होते हैं। तो बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जिस भी भाई को वीडियो पसंद आई हो वो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी दोस्तों, नई नई वीडियो देखने के लिए KD Audio चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।